दोस्तों ये है गंगेश्वर रामाबुटी। अब देखिए ऊपर का पहाड़ी देखिए, एक नंबर पहाड़ी है दोस्तों। क्या दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिलोचन प्रसाद देवांगन और आप देख रहे हैं टॉप परफॉर्मर छत्तीसगढ़, जहां पे बैलाडीला और माइन आयरन जो निकलता है वहां पे खड़ा हूं मैं। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कि यहां मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे एक रामाबूटी करके है, क्या है बताया था उनका नाम, गंगेश्वर रामाबूटी, ओम गंगेश्वर रामाबूटी। जी हाँ दोस्तों, रामाबूटी में आया हूँ। ये जो देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे, ये सीढ़ी है यहाँ का। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग। इसके लिए आपको बैलाडीला की पहाड़ियों में आना पड़ेगा। हम जहाँ पे है वहाँ पे निकालते हैं यहाँ से लोहा, कच्चा लोहा जो है निकाला जाता है यहाँ पे, वहीं पे मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, इस पत्थर के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कैसा है रहता है वो पत्थर, ठीक है दोस्तों। मैं हाथ में छूंगा उस पत्थर को, बहुत वजनदार पत्थर रहता है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ के रामाबूटी मंदिर है उसका मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक पत्थर दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये देखिए जो मेरे हाथ में रखा है, ये है लोहा, कच्चा लोहा है ये दोस्तों। आपको लग, देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है दोस्तों, और आपको दिखा देता हूँ ब्लू कलर का छोटा सा टुकड़ा, और दिखाया तो ये धोने से आपको पता चल जाएगा, धुला हुआ पत्थर भी निकालूंगा। ये देखिए ये ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही ब्लू दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको ब्लू है ना। ये बहुत वजन है दोस्तों, अभी जो पकड़ा हूँ ये लगभग ना 100 ग्राम है, और हम लोग की तरफ का पकड़ेंगे ना तो ये लगभग ज़्यादा नहीं 20 से 25 ग्राम, लेकिन ये 100 ग्राम वजनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए किरंदुल सिटी है। अब मैं यहाँ से मैं चढ़ता हूँ ऊपर मंदिर के लिए, ठीक है दोस्तों। ओम गंगेश्वर रामाबूटी, देखिए जो छोटा सा झरना है, पानी गिर रहा है, बड़ा झरना के पास ले जाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये सीढ़ी है मंदिर का दोस्तों, यहाँ बहुत सारी बकरियाँ पहले से चढ़ी हुई थी। इधर से क्या है, पीछे का क्षेत्र और है ना ऊपर। तो दोस्तों देखो बगल से झरना निकल रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए झरना बह रहा है अगल बगल। ये दोस्तों देखिए ये झरना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए झरना का। और ये यहाँ पे हम मंदिर में आ गए दोस्तों, ये गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, और ये शिव मंच तो ऊपर जो बैलाडीला के पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है दोस्तों। जय भगवान, दान पेटी वगैरह भी रखा गया है, ऊपर पूरा जंगल है दोस्तों। ये यहाँ के रहवासी हैं जो लकड़ियाँ लेके चल रही हैं, ऊपर से लकड़ी लेके आ रहे हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हाथी बनाया गया यहाँ पे, देखिए झरना है ऊपर की ओर, और ये बैठने की सुविधा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये हनुमान मंदिर है। तो दोस्तों देख रहे हैं बैलाडीला के पहाड़ियों में ये स्थित है, इसको गंगेश्वर रामाबूटी बोलते हैं यहाँ की जगह को, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में मैं आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, मैं आपको बताया था कि यहाँ का पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये ब्लू पत्थर जितना दिख रहा है ये पूरा कच्चा लोहा है दोस्तों, यह पत्थर नहीं है, कच्चा लोहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये और ये नॉर्मल जैसे आप देखेंगे ना पत्थर दिखेगा ये, ठीक है, लेकिन इसका कलर चेंज है, देखिए देखिए आपको, कच्चा लोहा ही है ये तो दोस्तों। इधर सब पड़ा हुआ है पत्थर, सब कच्चा लोहा है दोस्तों। तो नीचे की ओर चलते हैं,
आपको झरना दिखाया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा झरना है। ठीक है दोस्तों, नीचे झरना ही है, साउंड कर रहा है बहुत, और यहाँ पे कुछ साउंड तो माइंस का भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है, ठीक है दोस्तों, ये भी थोड़ा मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिशूल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज देखा था, देखिए ये झरना है, छोटा सा दिखा रहा है, मालूम है आपको, दिखा रहा हूँ, देखो ये पानी आपको दिख रहा होगा, निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, ऊपर से आ रहा है, लेकिन बना ऐसा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि नीचे झरना है। ठीक है दोस्तों, ले एक नंबर चीज़ है ये, बहुत रहस्यमय चीज़ है झरना। ठीक है दोस्तों, अरे ऐसा दिख रहा है यहाँ से, देखिए, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त जगह है, आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिएगा यहाँ, बैलाडीला किरंदुल, ऊपर पूरा पहाड़ है, दिखता नहीं है पेड़ पौधे वगैरह से, मैं खड़ा हूँ वहाँ से 9 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा टॉप पहाड़ में चढ़ने के लिए, टॉप का जो पहाड़ है वहाँ चढ़ने के लिए भी। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और आपको दिखाता हूँ नीचे, देखिए गाड़ी चल रहा है नीचे में, दिख रहा है आपको, ये पूरा नीचे नहीं है, हम अभी जहाँ से मैं आया हूँ, मतलब ये पहाड़ी में चढ़े हैं, पहाड़ी के नीचे के लेवल से 2 किलोमीटर ऊपर में हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 किलोमीटर और जब नीचे उतरेंगे ना, बैलाडीला का जो है मेन रोड जो है वो आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर दृश्य, देखिए ऐसा लग रहा है 3 झरना अलग अलग निकल रहा है ना, है ना इंटरेस्टिंग। तो बहुत बेहतरीन जगह है, और कुछ दिखाता हूँ आपको बाहर इंटरेस्टिंग चीज, देखो गाड़ी आ रही, गणेश का मैं आपको बताया था, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो जो ऐसा बना है ऊपर का दिख रहा है, ये शेड नहीं है दोस्तों, ये कच्चा लोहा सप्लाई होता है यहाँ से, ठीक है, कच्चा लोहा, ये बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है ऊपर में, वहाँ से जाता है उसके ऊपर से, यहाँ पहाड़ियों में घुसा हुआ, इधर ऊपर निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है, और ये पूरा नीचे जो कंपनी है वहाँ जाता है दोस्तों, कच्चा लोहा निकल के। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मेरे को बताइएगा कमेंट करके, ठीक है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको सेंड करता रहूँगा अपने यूट्यूब में, और आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही, और मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा आप, तब तक के लिए नमस्कार और जय जोहार दोस्तों।